एवरीवन, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसा आप सब? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड, मुझे एक आइडिया आया आज कि मेरे पास कुछ बहुत सारे आज कपड़े इकट्ठे हैं, जैसे कि मैं इनको अलग अलग कैटेगरी में दिखाती हूँ, बट आज मेरा कुछ ऐसा मन है कि मैं आपको सारे एक तरफ से सारे आपको अच्छे तरीके से दिखाऊं, चाहे उसमें सूट हो, चाहे उसमें साड़ी में से बने हो, डिजाइनर ड्रेस हो, कुछ भी हो, आज आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि हमेशा आप ये देखते होंगे कि जो ये वाला काउंटर है ये हमारा, हमेशा इसमें स्टिच फैब्रिक रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्टिचिंग फैब्रिक की तरफ, जो हमने अपने कभी डिजाइनर बुटीक में स्टिच किए हैं। और देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको ये वाला सूट दिखाते हैं। ये वाला सूट एक हमारे क्लाइंट है जिन्होंने हमें फैब्रिक दिया, उस फैब्रिक के साथ में हमें ये 6 मीटर हमारा 6 मीटर ये फैब्रिक अलग से दिया। और उनकी जो डिमांड थी, उनकी खुद की अपनी डिजाइनिंग जो इन्होंने मुझे समझाई कि मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए। देखिए आप देख रहे होंगे इस कुर्ते में लाइनिंग नहीं है, इसके अंदर लाइनिंग नहीं है, ये हमने एक टॉप बनाया है। फिनिशिंग आप देख सकते हो, साइड में चेन है इसके अंदर, ये रही, और ये सिंपल टॉप है जो इसके नीचे पहना जाएगा। और इसके नीचे बनाई है हमने कि स्कर्ट, अम्ब्रेला स्कर्ट है, कलियों वाली नहीं है, अम्ब्रेला स्कर्ट बनाई है। इसके ऊपर फिर ये पहना जाएगा, फिर इसके अंदर ये टॉप पहना जाएगा। तो इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, ये देखिए साइड में हुक है, चेन है, और ये अम्ब्रेला स्कर्ट, ये ऊपर का कुर्ती और नीचे टॉप। तो ये वाली ड्रेस भी हमने अपने कभी डिजाइनर बुटीक में बनाई। देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती है और ये कुर्ती भी मेरी है। और फ्रेंड्स, ये हमने एक साड़ी में से बनाई है। ये कुर्ती में हमने डिजाइनिंग देखे, जो इसके अंदर साड़ी में बॉर्डर था उसी बॉर्डर को हमने यहाँ पे सेट किया है और डिजाइनिंग बनाई। पाइपिंग आप देख रहे हो, उसके अंदर हमने क्रीम कलर की पाइपिंग दी और यहाँ पे भी दोनों तरफ बॉर्डर में पाइपिंग सेट करके तब ये डिजाइनिंग बनाई। स्लीव्स में भी देखिए पाइपिंग है इसके अंदर, और ये जो आप साइड में चाक देख रहे हो, चाक में भी हमने बॉर्डर सेट कर दिए, अलग से ही बॉर्डर में पाइपिंग निकाल के तब सेट किया। और ये कुर्ता मेरा अपना है, इस हमने एक साड़ी में से 2 कुर्ते बनाए थे, जिसमें से एक कुर्ता मेरी मदर इन लॉ का बना और एक कुर्ता मैंने अपने लिए बनाया। पर मैं आज मेरे पास सिर्फ यही वाला कुर्ता है जिसे मैं दिखा रही हूँ। तो ये आप बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये वाला कुर्ता साड़ी में से बना ये कैसा लगा। इस तरह की साड़ी आपके पास भी हो तो इसी तरीके के कुर्ते और भी बहुत सुंदर सुंदर बन सकते हैं। तो आप अपनी कुर्ती देख, आप अपनी साड़ी देखिए इस तरह की, यदि आपकी रिटायर हो गई तो आप इस तरह का कुर्ता बनवाइए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा सूट है। सूट जब जिस टाइम ये फैब्रिक आया था, ये फैब्रिक बहुत ही मतलब सिंपल सोवर सा लग रहा था। मैं आपको इसकी पूरी डिटेलिंग समझाती हूँ। सूट आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो सूट है इसमें सिर्फ जो हमारे क्लाइंट है वो नेट लेके आए थे, नेट और ये वाला फैब्रिक, ये वाला ये क्लाइंट का ही फैब्रिक है। और उन्होंने मुझे ये उनकी जो डिमांड थी, उनकी डिमांड थी कि मुझे कुछ इसमें से एक डिजाइनर ड्रेस बना दी जाए। तो पहले मैंने फैब्रिक को ध्यान से देखा और फिर देखिए आप साइड में एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, इससे ही रिलेटेड हमने ये डिजाइनिंग बनाई। आप इसको ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया। पहले तो आप ये वाला फैब्रिक देखिए, ये वाला फैब्रिक इसी का ही है, इसी में से हमने पेंट बनाई और इसी में हमने ये जो इनर वाला सूट बनाया। ये देखिए यहाँ से इसमें चाक खुले हैं, ये चाक खुल गए, लाइनिंग हमने इसके अंदर ऐड की है और ये यहाँ से अटैच है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर जो क्लाइंट को बताया कि आपकी जो नेट होगी वो नेट यहाँ से हम इसे ओपन कर देंगे, मतलब इसको अलग अलग कर देंगे, इसमें हम चाक खोल देंगे और सामने से इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, साइड से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ से ये ओपन है। तो ये वाला आइडिया आप बताना आपको कैसा लगा। साइड में देखिए, सामने भी हमने इसमें फिनिशिंग की है, पाइपिंग निकाल दी इसके अंदर। जो मेरे क्राफ्ट्समैन है वो भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनको पता है कि मैम किस तरीके का काम लेती हूँ, मैं उसी तरीके से अपने काम की पूरी डिमांड करती हूँ। और मेरे जो क्राफ्ट्समैन है वो भी बहुत मेहनत से बहुत अच्छे पीस बनाते हैं। ये देखिए इनकी शेप, शेप में भी हमने पाइपिंग निकाली है, गोली देखिए इसके अंदर, ये जो हमने डिजाइनिंग बनाई है इसमें गोली देखिए कितनी फिनिशिंग से लगाई है। और पूरी इसकी लुक जो आई है वो बनने के बाद बहुत ही सुंदर आई है। ए लाइन शेप में हमारा ये पीस है, हल्का सा हमने इसको ए लाइन लिया है,
साइडों से तो हमने इसको एलाइन लिया है और पीछे की तरफ भी इसमें हमने नेट है और स्लीव्स हमने बड़ी मुश्किल से इसके अंदर सेट की, बट हम इसमें से आ गई। और ये भी इसमें जो लेस है ये हमने अपने पास से लगाई, स्लीव्स के अंदर भी जोड़ नहीं आया। बट अदरवाइज ये कपड़ा बहुत कम था, ये कपड़ा करीब ऐसे ही था, 2 मीटर के करीब ये फैब्रिक था, 2 मीटर के करीब ये नेट थी। जब क्लाइंट आए उनकी जो डिमांड थी ड्रेस की थी, बट बहुत मुझे लग रहा था कि इसमें से ड्रेस बनेगी नहीं, बट जब मैंने थोड़ा हिसाब निकाला और इसको ए लाइन में निकाला तो यहाँ से इसकी स्लीव्स हमने निकाली, यहाँ से हमारी इसकी स्लीव्स निकल गई और ये वाला पूरा पैटर्न तैयार हो गया। पैंट भी हमने बना दी, पैंट में भी हमने लाइनिंग लगाई। जब पहनेंगी तब इसका बहुत ही सुंदर ग्रेस आने वाला है। देखते हैं हम इसका पूरा कंप्लीट लुक आपको एक सिंगल रील में दिखाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमने साड़ी में से ही बनाया है, साड़ी में से ये कलियों वाला फ्रॉक बनाई, ऊपर से ही इसमें कलियों की कटिंग है, यहाँ से ही इसकी कलियों की कटिंग है। तो ये हमने साड़ी में से ही बनाया है। इसकी पूरी लुक कंप्लीट आपको जब हमारे क्लाइंट पहन के दिखाएंगे तब हम आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। ये भी साड़ी में से ही बना है, कलियों वाला फ्रॉक है, सामने बॉर्डर है इसमें और कॉलर बनाया है और अपने पीस को तैयार किया। लाइनिंग इसके अंदर ये है, देखिए लाइनिंग। कैमरिक हम यूज करते हैं, हमेशा ये चीज हम आपको बार बार बताते हैं कि हमारी जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हैवी होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाला सूट देखिए आप, ये सूट भी क्लाइंट का है और ये सब जो सूट दिए हुए हैं सब क्लाइंट के ही हैं जो हमने स्टिच किए हैं। पीछे की तरफ हमने इसमें डोरी लगाई, टैसल लगाए और टैसल में जो ये लेस लगाई, ये लेस हमने इसीलिए लगाई क्योंकि जो इसकी स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स में बेल स्लीव है, बेल स्लीव में ये लेस लगाई। जो लेस हमने यहाँ लगाई वही लेस हमने पीछे की तरफ लगाई। बैक फ्रंट का गला बना हुआ था इसमें। अब मेन है इसमें जो डिजाइनिंग बनाई है वो डिजाइनिंग हमने पैंट में बनाई है। देखिए पैंट में डिजाइनिंग, ये सब मैंने अपने तरीके से काम करवाती हूँ कि डिजाइनिंग को हम ड्राइंग कर देते हैं पेपर, जिस पे मेजरमेंट का बिल जाता है क्राफ्ट्समैन के लिए, वहां पे मैं इसको ऐसे ड्राइंग करती हूँ और उनको समझाती हूँ कि इस तरीके से ऐसे ऐसे बनना है। फ्रेंड्स ये सब जो डिजाइनिंग बनती है बहुत थोड़ा सोचा जाता है कि कौन सी चीज में कौन सी डिजाइनिंग ज्यादा अच्छी लगेगी, इसमें हमने ये वाली डिजाइनिंग बनाई। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक ग्रीन कलर का सूट है, सूट भी बहुत सुंदर है और इस सूट में देखिए हमने पीछे की तरफ बैक में ये डिजाइनिंग बनाई। ये वाली डिजाइनिंग हम पहले दिखा चुके थे और अब इसके पैंट में भी दिखाते हैं। ये देखिए पैंट में भी हमने ये डिजाइनिंग दी, सेम लुक बिल्कुल जैसा नेक में डिजाइनिंग है उसी तरीके से हमने पैंट में भी डिजाइनिंग दी। ऊपर की तरफ हमने हल्की सी पाइपिंग निकाल दी क्योंकि इसमें जो मोती लगाया वो हमने व्हाइट कलर का लगाया तो उसी से हमारा इसका कंट्रास्ट बन गया। बाकी इधर की तरफ भी देखिए इसमें सिर्फ हाईलाइट हो रहा है, व्हाइट सा कलर ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बट जो मोती आया हुआ है वो इसके अंदर मोती लगा हुआ है इसीलिए हमने ये डिजाइनिंग बनाई। तो इसमें बनाई हमने पैंट में डिजाइनिंग और बैक में डिजाइनिंग। अब चलते हैं हम पिंक वाले सूट की तरफ। ये देखिए सूट भी कॉटन का है, ये इस तरह का मैंने एक अपने लिए सूट बनाया था तो मेरा सूट देखने के बाद क्लाइंट की डिमांड हुई कि हमें भी अपने सूट में इसी तरीके का, हमें भी अपने सूट में इसी तरीके की डिजाइनिंग चाहिए। तो इसलिए हमने उसमें देखिए सेम ऐसे छोटे छोटे कट्स डाल दिए, पूरे चारों तरफ इस चाक में कट्स हैं इसके अंदर और फुल लाइनिंग का सूट है, बंधेज का सूट है ये। और इसकी स्लीव्स देखिए, स्लीव्स हमने इसकी बेल स्लीव बनाई है, उसमें हमने ये लेस होती है हमारे पास वो लेस लगा दी हमने। ये सब लेस वगैरह मटेरियल सब किनारी बाजार से मिल जाते हैं, वहां से हम इसे लेके आए हैं और हमने ये यूज किया। इसके अंदर हमने कट्स डाल दिए और ये बनने के बाद भी बहुत सुंदर लगा। अब इसकी मैं आपको पैंट दिखाती हूँ, इसमें डिमांड उनकी पैंट की थी। देखिए इसमें भी हमने सेम इसी तरीके से डिजाइनिंग बनाई है, जैसे हमारी लेस यहाँ लगी है इसी तरीके से हमने पैंट में यहाँ पे लेस लगा दी और ये कट्स डाल दिए। तो ये पैंट हमारी डिजाइनर बन गई, स्लीव भी डिजाइनर बन गई और जो इसके नेक है, नेक में हमने देखिए गले में पाइपिंग व्हाइट क्रीम ही कलर की लगाई है, जिस कलर का इसमें डाई हो रहा है। पाइपिंग देखिए कितनी फिनिशिंग से अंडरग्राउंड लगाई हुई है। लाइनिंग हमने देखिए, लाइनिंग की क्वालिटी देखिए कितनी बेस्ट है, लाइनिंग की क्वालिटी भी ये देखिए। तो ये फुल लाइनिंग का पीस है, इसे क्लाइंट की डिमांड फुल लाइनिंग की थी।
चलिए अब हम नेक्स्ट सूट की तरफ चलते हैं। ये सिंपल सूट है, कोई ज्यादा इसके अंदर डिजाइनिंग नहीं है। इसकी पेंट में देखिए ये इस तरीके की डिजाइनिंग बनाई, हल्की हल्की जब क्लाइंट डिमांड हल्की फुल्की डिजाइनिंग मांगते हैं तो इस तरीके से हम अपने पेंट में और स्लीव्स में ये वाली डिजाइनिंग बना दी। तो ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। ये देखिए ये जो सूट था ये इधर से नेक बना हुआ था इसका, इसकी जो स्लीव्स है इसकी स्लीव्स में भी हमने ये लेस लगा दी, गोटे लगाए इसके अंदर, साइड चाक में पाइपिंग निकाली और जो इसका प्लाजो है प्लाजो भी बहुत सुंदर बनाया है। ये मैंने क्लाइंट को समझाया था कि इसको हम थोड़ा सा डिजाइनर बनाएंगे, इसमें हमने ये गोटे लगा दिए और साथ में ये हमने लेस लगा दी। तो इस तरीके से इसकी डिटेलिंग करके ये वाला ट्रेडिशनल लुक में आ गया, दुपट्टा भी इसका बहुत सुंदर है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो सूट है ये भी एक क्लाइंट है, उनकी डिमांड थी कि मेरा सूट बहुत अच्छा सा डिजाइनिंग वाला सूट बनाया जाए। ये तो जैसे कि आपको पता ही है हमारे डेली यूज रहते हैं, डोरी है इसके अंदर, टैसल लगाई, टैसल में हमने ये पाइपिंग निकाली, पाइपिंग मजेंटा कलर की लगाई है। पाइपिंग मजेंटा कलर की इसीलिए लगाई क्योंकि हम जो इसका नेक है इसके नेक में ये पाइपिंग थी इसके अंदर। अब इसकी जो मेन है इसकी पेंट, आप देखिए इसकी पेंट में हमने कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। ये देखिए इसको हमने यहां से कट कर लिया था, ये कट करने के बाद जितना हमारा पैच बनना था उतनी हमने कटिंग कर ली और पैच को पूरा तैयार किया। पैच को तैयार करके पूरा नीचे लंबाई में पूरा सेट कर दिया। इसकी डिजाइनिंग हमने यहाँ से अलग बनाई, ये डिजाइनिंग अलग बनाई और तभी इसमें हमने मोती लगाए और ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइनिंग बनी। तो ये वाली पैंट हमने अपने कभी डिजाइनर बुटीक में बनाई, आप भी बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये आइडियाज कैसे लगते हैं जो हम बनाते हैं। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। देखिए एक सूट ये है, सूट सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, गले में पाइपिंग है। इसकी जो पैंट है पैंट में हमने डिजाइनिंग दी है, पैंट में हमने गोटे लगा दिए क्योंकि देखिए इसकी जो इसका कुर्ती है उस कुर्ती में ये गोल्डन कलर का टच आया हुआ था तो इसी से गोल्डन मैचिंग मिला के हमने ये गोटे लगा दिए, लुक भी डाल दी और ये बटन लगा दिए। तो हमने इसकी पैंट में डिजाइनिंग बनाई, मजेंटा टच दिया क्योंकि इसके अंदर मजेंटा भी था। तो कलर कॉम्बिनेशन बनाना भी मतलब अपने आप में एक हाईलाइट करना। अब अगर हम इसमें मजेंटा बहुत छोटा छोटा सा है तो इसी के अंदर इसकी डिजाइनिंग को जो हाईलाइट करेंगे वो भी हम मजेंटा ही करेंगे। मतलब ज्यादा ऐसे पैच को अगर हम मजेंटा बहुत बड़ा पैच सा बना देते मजेंटा कलर का तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। गोल्डन मैंने हाईलाइट भी कराया और साथ में छोटे छोटे मजेंटा टच भी बटन लगा दिए तो इससे इसकी अच्छी लुक आ गई। तो देखिए डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं होता कि अगर इसके अंदर मजेंटा है तो इसमें बहुत मोटे मोटे पैच लगा दो, बड़े बड़े पैच लगा दो और इसको डिजाइनिंग को बना दो, ऐसा बनाने से उतना अच्छी खूबसूरती नहीं आती। तो इसी तरीके से हमारे काफी सारे और भी बहुत सारे सूट हैं, ये तो काफी सिंपल भी है इसके अंदर डिजाइनर भी सूट है। चलिए एक और दिखा देती हूँ मैं बहुत सारे। ये देखिए ये भी हमने साड़ी में से ही बनाया है, अम्ब्रेला स्टाइल में ये फ्रॉक बनी है, लंबाई इसके अंदर नहीं निकल रही थी तो हमने इसमें फ्रिल भी ऐड कर दी, डिजाइनिंग भी बन गई, लंबाई भी पूरी हो गई। और बीच में देखिए ये बेल्ट, ये हमने बेल्ट बनाई है इसके अंदर, पहनने के बाद काफी अच्छी लुक आने वाली है इसकी। ये प्रिंटेड साड़ी में से ही ये हमने फ्रॉक बनाई। तो कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये कैसी लगी। चलिए एक और सूट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला सूट भी अफगानी स्टाइल में बनाया है हमने, मैं दिखा देती हूँ। इसकी जो इसकी सलवार बनी है वो अफगानी बनी है, अफगानी में हमने लाइनिंग नहीं लगाई है और ये जो हमने लेस लगाई है लेस हमने अपने पास से दी है और ये वाली लेस लगाई। और जो स्लीव्स है स्लीव्स में भी हमने अफगानी लुक ही दिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अगर हम नीचे भी ऐसे अफगानी स्टाइल दे देते हैं और स्लीव्स में भी देते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से पहनने के बाद काफी अच्छा लुक आ जाएगा इसमें। देखिए फ्रेंड्स ये भी सूट हमने अपने कभी डिजाइनर बुटीक में बनाया, ये फुल लाइनिंग का सूट है और
इसमें हमने कुर्ते पे कोई खास ज्यादा नहीं है, सिर्फ हमने इसमें शेप निकाली है और इसके अंदर पाइपिंग दी है। सिर्फ आप इसके अंदर फिनिशिंग देख सकते हो। ये जो हम पाइपिंग निकालते हैं ये भी हमारे अपने ऐसे फैब्रिक हैं जो बिल्कुल भी हमारी बॉडी को इरिटेट नहीं करते। स्पेशल हम पाइपिंग के लिए ये वाले फैब्रिक लेके आते हैं। ये देखिए हमारे पास बहुत सारे कलर होते हैं जो हम अपने पाइपिंग में यूज करते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ये सभी फैब्रिक्स इस तरीके के हैं। चाहे आप इनमें से ब्लाउज बनवा सकते हो अपने लिए, पाइपिंग की में यूज कर सकते हैं, डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। हम ये इस तरह का फैब्रिक होता है जो बिल्कुल भी बॉडी को इरिटेट नहीं करता, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लाइंट की जो डिमांड होती है वो यही होती है कि मैम पाइपिंग तो आप लगा दीजिए लेकिन चुभनी नहीं चाहिए, मतलब बॉडी में जरा सी भी चुभनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम ये वाला फैब्रिक हमेशा यूज करते हैं और इसी फैब्रिक से हम पाइपिंग लग बनाते हैं। ये बॉर्डर इसके अंदर पहले से ही है, ये बॉर्डर यहाँ पे लगा दिया और लाइनिंग देखिए आप इसके अंदर, ये देखिए लाइनिंग, लाइनिंग हमारी ये कैमरिक है। देखिए इसी चीज का फर्क होता है, काम का फर्क होता है, फिनिशिंग का फर्क होता है, मटेरियल का फर्क होता है। और देखिए ये पैंट, पैंट में हमने कुछ इस तरह की डिजाइनिंग बनाई है। ये देखिए पैंट में पहले हमने ऐसे ये प्रिंटेड इसका फैब्रिक लगा दिया कुर्ती का और इसके नीचे हमने पाइपिंग निकाल दी और ये हमने देखिए पिन इसमें पिनटेक्स बना दिए। पिनटेक्स ऐसे बहुत सुंदर है, इसी को थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, मतलब हम अपनी अपने पिनटेक्स को ऐसे यदि हम इस तरीके से बदल दें तो ये और भी सुंदर हो जाएगा। तो डिजाइनिंग की कोई सीमा नहीं, इस तरीके से लगा के इस पर बटन भी लगा सकते हैं। बट अभी हमने फिलहाल इतनी ही डिजाइनिंग बनाई। ये हमारा फुल अस्तर का सूट है और फुल लाइनिंग का सूट है ये, और इसमें हमने ये वाले डिजाइनिंग बनाए। अब चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स ये एक कॉटन का सूट है, ये कॉटन का सूट हमारे यहाँ पे स्टिच होने के लिए आया। हमने देखिए इसमें एक पैंट की इसमें जो स्लीव्स की डिजाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से बनाई है। स्लीव्स में डिजाइनिंग पैंट का जो कंट्रास्ट है वो लगाया है, लेकिन हमने पैंट का नहीं लगाया है, पैंट के कलर जैसा सेम अपने पास से लगाया। क्योंकि कभी भी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉटन की पैंट होती है इस तरह के डार्क कलर के और क्रीम कलर का यदि सूट हो, उसमें कंट्रास्ट लगाना हो, पाइपिंग लगानी हो, चाहे डिजाइनिंग बनानी हो, तो हमेशा उसमें अपनी तरफ से ऐसा कपड़ा लगाना चाहिए मैचिंग का जिसमें कलर ना निकले। तो हमने इसके अंदर बनाई ये वाली डिजाइनिंग और इसकी पैंट देखिए, पैंट में भी हमने ये डिजाइनिंग बनाई। इसमें हमने जो कंट्रास्ट डाला वो क्रीम कलर का डाला, ऐसे ही कट्स बना दिए। कट्स के बाद हमने इसको इस तरीके से दे दिया। पहनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लुक आना है। और इसके नेक में भी हमने सेम इसी कलर की पाइपिंग निकाली है जिस कलर की पैंट है। पैंट का कलर नहीं, मतलब पैंट का कपड़ा नहीं है, हमने अपने पास से दिया है ये, ताकि धुलने के बाद बिल्कुल भी इसमें से कलर ना निकले। तो इस तरीके से हमने क्रीम कलर में ये वाली डिजाइनिंग बनाई। इस तरह की डिजाइनिंग अच्छी लगती है। अब देखिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे सूट की तरफ। एक और ये वाले में देखिए हमने जो बनाई इसके अंदर डिजाइनिंग थोड़ी हाईलाइट की है, पेंट का ही कलर कपड़ा लगाया है इसके अंदर हमने डिजाइनिंग में। और ये देखिए इसकी पेंट में हमने ये वाली डिजाइनिंग बनाई, इसका जो कंट्रास्ट था वो हमने ऐसे बनाया, पिनटेक्स डाल दिए इसके अंदर और ये हल्की इसके अंदर डिजाइनिंग बना दी ताकि इसे पहनने के बाद काफी अच्छा लुक आया। और इसकी हमने सूट में डिजाइनिंग नहीं बनाई, इसके हमने पैंट में डिजाइनिंग बनाई। पैंट में वही उसी तरीके से गोटा लगा दिया, गोटे के साथ में हमने लुप्पी लगाई है, लुप्पी के साथ में ये बटन लगाया। और देखिए यहाँ से इसको हमने स्टिच नहीं किया है, ये ओपन है, इसको हम ऐसे खोल भी सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से अपनी डिजाइनिंग बनाई, गोटे लगा दिए इसके अंदर। ये गोटे भी सब वहीं से मिलते हैं, मटेरियल सारा हमारा किनारी बाजार का ही है, सर्च करके लाना होता है डिजाइनिंग के लिए, तभी हमारी डिजाइनिंग अच्छी बनती है। यदि हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तो हम अपनी डिजाइनिंग अच्छी नहीं बना पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये बॉक्स प्लेट है, ये बॉक्स प्लेट वाली हमने एक सलवार लुक, जैसे क्लाइंट बोलते हैं कि हमें सलवार नहीं चाहिए पर हमें कुछ सलवार जैसा या कुछ अलग स्टाइल चाहिए, तो इसमें हमने जब ये पहनेंगे तो इसकी काफी अच्छी लुक आने वाली है। जब पहनेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा और यहाँ पे इसमें बॉक्स प्लेट डाल दी
मतलब जितनी इसकी लंबाई है उसके हिसाब से जितनी हमें चौड़ाई लेनी है, बॉक्स प्लेट की सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद हमने इसे ओपन कर दिया। जब इसे पहनेंगे इसकी बिल्कुल थोड़ा काफी हद तक इसकी सलवार वाली लुक आने वाली है, तो जब पहनेंगे तब इसका पूरा लुक दिखाई देगा। और अब चलते हैं हम एक लास्ट आपके लिए, इसे भी दिखा रहे हैं। ये हमने साड़ी में से बनाया, साड़ी में से देखिए जो बना है ये डिजाइनिंग, पल्लू वाले पार्ट में से हमने ये वाला हिस्सा लिया है, यहाँ पे हमने इसमें चोली में जोड़ दिया है। वैसे मेरा जो मोटिव था मेन, मेरी जो डिजाइनिंग हमने सर्च की थी उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जोड़ नहीं देना था, बट साड़ी की लंबाई इतनी नहीं होती जितनी इसकी लंबाई है, उस हिसाब से इसमें हमें जोड़ देना पड़ा, तब जाके ये डिजाइनिंग बनी। देखिए बीच वाले पार्ट में हमने कढ़ाई दे दी, साइड में हमने नीचे नीचे कढ़ाई दी है, ऊपर हमने गैदर सेट कर दिए, बीच में हमने यहाँ पे पाइपिंग लगा दी ग्रीन कलर की, और गले में भी ग्रीन कलर की पाइपिंग दी है। स्लीव्स पूरी वर्क वाली है, बॉर्डर इसके अंदर दे दिया। और पीछे बैक दिखाते हैं आपको, बैक देखिए पूरी प्लेन है, इसमें भी चोली बनाई है, और नीचे की तरफ पूरा इतना ही घेर बनाया है जितना आगे की तरफ घेर है। इसमें हमने लाइनिंग लगाई है, लाइनिंग देखिए कैमरे की ही है इसके अंदर। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारी डिजाइनिंग कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने कुछ आपको थोड़े से डिजाइनर पीस दिखाए जो हमने अपने कभी डिजाइनर बुटीक में बनाए, ये सब इसी तरीके से हम एक सिंपल ब्लाउज सूट से, ब्लाउज सब ऊपर है अभी, काफी सारे ब्लाउज हैं, फिर हम एक बार और ब्लाउज की भी बनाएंगे वीडियो। अभी फिलहाल हमने कुछ आपको सूट दिखाए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस मेरा मोटिव था थोड़ा सा कि जो भी इसमें पीस बने हुए हैं रखे हुए हैं उनमें से हम आपको कुछ थोड़े से डिजाइनिंग दिखा दें। अभी इसमें और भी कुछ ऐसे डिजाइनिंग है जो अभी हम नहीं दिखा पाए हैं, अभी धीरे धीरे जो पहनेंगे क्लाइंट तो हम आपको हाईलाइट करते रहते हैं, बाकी स्टोरी पे हम शेयर करते रहते हैं इनका। यदि किसी को इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर मेंशन करते हैं, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी जो हमारी जो स्टिचिंग प्राइस है, स्टिचिंग प्राइस का ही सबसे ज्यादा इशू रहता है कि आप स्टिचिंग प्राइस बताइए। जो हमारी स्टार्टिंग रेट है वो है 650, जिसमें हम सलवार वाला सूट होता है हमारा पजामी वाला, उसकी स्टार्टिंग रेट है 650। पेंट वाले सूट की सिलाई हमारी 800 होती है, जिसमें हमारा विदाउट लाइनिंग होगा, हाफ लाइनिंग होगी, हाफ लाइनिंग होती है जिसमें सूट में लाइनिंग होती है, पेंट में लाइनिंग नहीं होती, या पेंट में लाइनिंग होती है सूट में नहीं होती है, उसको हाफ लाइनिंग बोलते हैं, उसकी सिलाई 1200 है। और यदि फुल लाइनिंग है जिसमें पूरे में लाइनिंग है, मतलब पेंट में भी अस्तर होता है सूट में भी अस्तर होता है, उसकी सिलाई हमारी 1500 है। तो और जो ब्लाउज की सिलाई है, लाइनिंग वाले ब्लाउज की सिलाई हमारी 650 है, 650 से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको थोड़ा सा आइडिया दिया हमारे अपने कभी डिजाइनर बुटीक में सिंपल सूट से लेके डिजाइनर ड्रेसेस तक की सभी कुछ बनता है। सेल काउंटर भी अक्सर हम आपको सूट भी दिखाते रहते हैं, सूट भी आप हमारे यहाँ से खरीद सकते हो, और आप हमारे यहीं से खरीद के आप हमारे यहीं से बनवा भी सकते हो। बनवाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे आपने हम लोग सूट भी हाईलाइट कर, सूट भी दिखाते रहते हैं, आप सूट को पसंद कीजिए, सूट को पसंद करने के बाद हम मेजरमेंट एक बिल बनाते हैं, आप वो बिल हम आपको सेंड कर देंगे, और आप उस पे मेजरमेंट लिख के जहां से आप स्टिच कराते हो बॉडी मेजरमेंट दीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी कुछ आइडियाज हमारे पास अपने तरीके से होते हैं कि उनको कैसे कितना लेना चाहिए, कुछ बेसिक मेजरमेंट चाहिए हमें जिसके बेस पे हम अपने सूट प्लाजो पेंट वाले बना देते हैं आराम से। तो आप हमारे यहीं से सूट खरीदिए और आप हमारे यहीं से स्टिच भी करा सकते हो। यदि आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आप किसी जहां से आप स्टिच कराते हो वहीं से मेजरमेंट, तो हमारा दूसरा तरीका ये होता है कि हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, आपके पास इंच टेप होना चाहिए, हम अपने तरीके से इंच टेप लगवाते हैं और अपना मेजरमेंट को लिख लेते हैं और हम बना देते हैं। तो अभी हम जब तक सीजन हमारा बहुत हाई नहीं होता तब तक हम ऑनलाइन बुकिंग काफी अच्छी कर लेते हैं, जब सीजन बहुत ज्यादा हाई पे रहता तब उस टाइम हमारे ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स आज आपको जो हमने डिजाइनिंग दिखाई, कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये कैसी लगी, और किसी को इंक्वायरी करनी है तो स्क्रीनशॉट कीजिए और आप हमसे पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम अपने डिजाइनर पीस लेके आते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हमेशा आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।